जहाँ हम कदम रख देते हैं जमीन हमारी हो जाती है। राजपूत, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है। यहाँ के बाप दादा हम हैं। राजपूत, ये हमारे बाप दादा के खून पसीने की कमाई है और इसको हम ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। चलो थोड़ा सा खून बहा लेते हैं। क्या मतलब है तेरा? छोटी सी कुश्ती कर लेते हैं, जो जीतेगा जमीन उसकी। मंजूर है राजपूत। बता अपने कौन से प्यादे को भेजेगा? राजपूत, तुम सबके लिए तो मेरा एक छोटा भाई ही काफी है। जा बेटा। अरे शिवा, तेरे इस पिल्ले को मेरा एक लोटा खा जाएगा। जा रहा लड़ रहे है। छोटे जा, इसको तू देख। जी भाई साहब। तुम्हें रोज दूध दे ही पिला रहा हूँ और सारा पानी को पानी कर दिया। भाई शिवा, शेरा जा मेरे भाई और के भाई को इनकी धूल चटा के आ। तुम्हें दूध पिलाया, घी खिलाया, सारा पानी कर दिया, कभी ना हो। चलो हराम खोर। राजपूत, गए तेरे प्यादे भी। प्यादों के चले जाने से बादशाह की बासात खत्म नहीं होती। मैं इन चमचों पर नहीं अपने बलबूते पे लड़ूंगा तुझसे। तेरा तू इधर आ। राजपूत, तेरे जैसे बादशाह मैंने बहुत देखे हैं। और रही जमीन की बात, ये जमीन मेरे बाप दादाओं की है तो मैं इस पे तेरा हक नहीं चलने दूंगा। आ
लगता है तेरी किस्मत अच्छी है। किस्मत मेरी नहीं तेरी अच्छी है राजपूत। अब इन हरामजादों का विनाश होकर रहेगा। ये बात सूर्या भैया को बता दें क्या? नहीं, ये बात सूर्या को नहीं बतानी है क्योंकि वो वहाँ मुंबई में काम कर रहा है। इसको तो हम अपना आप ही देख लेंगे। और तुम जैसे मेरे शेर भाई हैं तो हम सूर्या को क्यों परेशान करें? सूर्या की बात तो बात की बात है, जब हमारे बस की कुछ नहीं रहेगा तो सूर्या इनको अकेला ही ख़त्म कर देगा। अभी फिलहाल हमें सूर्या को परेशान नहीं करना, वो वहाँ काम कर रहा है उसे काम करने दो शेरा। चलो ठीक है भैया, जैसा आप चाहते हो। जी ये तो सो रहा है, यही मौका है इसे मारने का। यहाँ पर चलो सोते हुए पे वार। राजपूत, अब बनेंगे तेरे लिए हम सारे भाई यमदूत। अब तेरा विनाश पक्का है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु को बहुत दिन हो गए। अरे खैर खबर लेता हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ भैया, हेलो। हाँ सूर्या। हाँ भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं बढ़िया हूँ भैया। और कब आ रहा है सूर्या? प्रोग्राम में हूँ, भी आ जाऊंगा मैं। परसों की फ्लाइट है। हाँ भैया, चला जा मेरे भाई, तेरी बहुत याद आ रही है सबको। हाँ भैया, पक्का आऊंगा। ठीक है, आ जा भैया। ठीक है भैया। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा। हाय बेबी, कैसे हो? कहाँ हो तुम? अच्छा हूँ।
ओ बेबी मैं भी नहीं मिल सकता, अभी मैं अपने गांव जा रहा हूँ। क्यों नहीं मिल सकते? मैंने कहा ना मुझे अभी मिलना है, मतलब मिलना है। समझा करो बेबी। बेबी सिर्फ एक महीने की तो बात है, मैं जल्दी जाके मिलता हूँ आपसे, जल्दी मिलूंगा, जल्दी मिलता हूँ मैं तुमसे आकर, सिर्फ एक महीने की तो बात है, आ जाऊंगा। हाँ ठीक है ओके। जा रहा हूं मैं, और कहां जाऊंगा? घर तो जाए, हम पहुंचाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो अभी बताएंगे।
मैं तो छोटा बोल बोल भैया बोल भी बोल मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ। चोर है भाने से। हाँ आ गया अपने घर। सूर्या आ गया मेरे भाई। और भैया कैसे हो? अरे ठीक है सूर्या। और तू सुना सब बढ़िया? पर तू तो दो दिन पहले आने वाला था, इतना लेट कैसे हो गया मेरे भाई? अरे भैया एक्चुअली में मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, फिर रास्ते में थोड़ा बिजी हो गया था मैं। अरे चला खाना खाते। वो तो खा लेंगे लेकिन शेरा शिवम और सोनू दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? अरे वो अब दोनों को लेके गया है क्लब में। अच्छा आज उसको गेम है कराटे का? आज कराटो का गेम है उसका। क्या ले गया बच्चों को? चल आपको आ गया तो कुछ मस्ती करते हैं मेरे भाई। भैया गांव आके बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, पर गांव में सर्दी बहुत है। अरे सर्दी का इस जुगाड़ करा है तेरे लिए, इंतजाम करा है सर्दी का। तू आग वाग लगा रहे हो क्या? अरे नहीं दोनों भाई छोटे छोटे लवली लवली पैक मारते हैं। अरे भैया मैं पैक वैक नहीं पीता, मैं दारू वारू नहीं पीता। अरे छोटे क्या बात बता रहा है हमें, मुंबई में रह के तू ये काम नहीं करता है? मैं तो पी लूंगा पर सामने छोटा भाई है ना। अरे आज छोटा भी बड़ों के साथ में शामिल हो जाएगा, कोई बात नहीं। अरे छोड़ो छोड़ो भैया, जब आप लोग पियोगे तो मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ा चार। भैया खाम का तमाशा हो जाएगा, मत पिलाओ। अरे तमाशा तो बाद में करेंगे, पी जा पहले छोटे, सब देखा जाएगा। अरे अब होगा तमाशा। वो पड़े हैं उठा कर ले जाओ। क्या मिला है तूने भाई की ड्रिंक में? ओ तो तूने देख लिया? हाँ
राजपूत तू। मैं लाया तुम्हें यहाँ। घर का बेदी लंका ढाए। घर का बेदी मतलब? तुम्हारे खाने में मैंने नशे की दवाई मिला दी थी। आएगा मेरा भाई सूर्य आएगा, और जब वो आएगा तेरा नाम और निशान मिटा देगा, तेरा विनाश कर देगा। अब करूंगा मैं तुम्हारा विनाश। तू आ गया मेरे भाई। हाँ भैया। भैया अब मैं आ गया हूँ, आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मेरे भाई जो हाथ बड़े गैर हमें से भागे। राजपूत अब तेरा विनाश होके रहेगा। नहीं मेरे भाइयों को कोई नहीं मारेगा, क्योंकि इन्हें मैं मारूंगा। सूर्या मेरे भाई, तू भाइयों के भाई को मार रहा है। ये तो रीति का रिवाज है भैया, जर जोरू और जमीन के लिए तो भाई आपस में महाभारत से लड़ते हुए आ रहे हैं। और करोड़ों की जमीन है भाई, तुमको कैसे बांट सकता हूँ? इस जमीन का मैं अकेला मालिक हो सकता हूँ, अकेला। सूर्या इस जमीन की खातिर तो अपने भाइयों को मार रहा है। अरे तुम उससे प्यार से कह देता मेरे छोटे भाई, मैं तो अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे नाम यूं ही लिख देता। ओ इमोशनल अत्याचार, प्यार से मांगता तो दे देता। भाई राजपूतों ने हमेशा जंग लड़कर अपने हिस्से की चीज ली है, और तेरे अंदर भी राजपूत का खून है। और राजपूताना लोग जितने भी होते हैं जंग लड़ते हैं महाभारत लड़ते हैं। भैया भैया क्यों मार रहे हैं शिवा भैया को? नहीं भैया तुझे भी मरना है क्या? भैया मेरा भी हाथ उठ जाएगा आप पे। भैया छोटे भाई, हमारे खून में गद्दारी ये कैसे हो सकती है? भैया गद्दारी खून में नहीं नियत में होती है। शेरा लगता है अब एक जंग हमें और लड़नी पड़ेगी खुद अपने ही भाई से। आला
असली सूर्या? सूर्या तू? हाँ भैया मैं। तो फिर ये कौन था? ये मेरा हमशक्ल है भैया। ये कैसे हुआ? जब मैं बॉम्बे से आ रहा था, की तुझे जरूरत नहीं। अब मैं जाऊंगा सूर्या बनकर और तू ऊपर। तुझे अभी मारूंगा नहीं, पहले तेरे भाइयों को खत्म करूंगा, तेरी जमीन हत्याऊंगा और जिनसे मैंने डील किया उनसे पैसा लूंगा, उसके बाद आकर तुझे सब कुछ दिखाऊंगा और फिर तुझे मारूंगा, तब मजा आएगा। तेरे घर में जाऊंगा सूर्या। मार दिया बहुत मारा साले ने। अबे आराम करो। तुम बे सालो, एक आदमी नहीं पकड़ा गया है? खा खा गला रखा तुम लोगों ने। आदमी नहीं है, ब्रूस लिया। उठा उठा के मारता साला। धो दिया साले ने। ते बड़े केड़े मारे जो जोड़ी मारे के सिकरे के पकड़ कर दिए मेरे इधर। ये इसको बांध दो अब। हाँ ध्यान रखना, इसके हाथ में खुल जाए। सच में खतरनाक है। अब तो इसकी खातिरदारी अच्छे से करेंगे साले की। देख के ठीक है। बेहोश है साला जिंदा। बांध दो जल्दी साला खली का भैया। हाथ हैं थोड़े, हाथ भी बड़े भारी हैं। जल्दी जी बांधो जल्दी। नहीं फिर मारो। बोलियों को बाबू मारो जल्दी से। मैं जल्दी से करो। चलो बांध। लोस है क्या खाते बड़ा हुआ? अब मैं जाऊंगा तेरी जगह सूर्या बनकर तेरे भाइयों का नाश करने, उनका विनाश करने। नायक नहीं। आज साले को छोड़ना ना। साले ये कौन है यहां पर? अगर हाथ बंद रहे तो ठीक है, अगर हाथ खुल गया तो मतलब बेकार है, मारे जाएंगे। तो पागल हो तुम साले के, 5 लाख रुपए मिले इसे मारने के, ऐसे कैसे छोड़ दे 5 लाख रुपए? मारने के 5 लाख? साला क्या लपड़ा है, इसका मतलब ये कोई बाहर की गैंग है। देखता हूँ।
कौन था भैया यू? अच्छा निकल लो, नहीं चुतर फाड़ देगा भैया। निकल लो भैया यहाँ से, 5 लाख के तेल लेने। कौन हो भाई, ये तुम्हारी किसने ऐसी हालत की है? भाई मुझे खोलो प्लीज। शुक्रिया दोस्त, मैं अपने गांव जा रहा था तो कुछ गुंडों ने मुझे बांध लिया और लगता है मैं कल से यहाँ बेहोश हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कौन हो भाई? ये मेरा अपना बाग है, मैंने देखा कुछ लोग हंस रहे थे तो मैंने ऊपर देखा तो इसलिए मैं यहाँ पर आया। थैंक यू मेरे दोस्त, मुझे एक अर्जेंट काम के लिए बहुत जरूर जाना था। थैंक यू थैंक यू, आपको शुक्रिया। तभी तो कहूं मेरे भाई, हमारे खून में इतनी गद्दारी कैसे? ये सारा गद्दार है और ये राजपूत का भेजा हुआ आदमी है। ए, ए, चल माल निकाल बे, वरना अपन तेरे को ठोक देगा, काट देगा अपन तेरे को। ए सूर्या, तू कब से चोरी करने लगा? कौन सूर्या बे, अपन का नाम राजा है। राजा? अबे क्यों जुदिया बना रहा है यार? क्या बोल रहा है बे तू? फाड़ दे तेरे को अपुन भाई, ज्यादा मत कर, मैंने काट देगा अपुन तेरे को। सूर्य नहीं है तू? नहीं अपुन राजा है। राजा है, देख ये दे। है नहीं है अबु? अबे तेरे पास अपुन का फोटो कैसा है बे? अबे सूर्य है भाई, अपुन ने ऐसे कपड़े तो कभी पहने नहीं। अबे कौन है भाई ये? अबे सूर्य का है, यानी कि तू हम शकल है उसका। अबे चिंदी चोर कर रहा है बाबा, इसमें मुझ पर क्या मिलेगा? 10-20 हजार रुपए, 5 लाख रुपए का काम है। अरे 5 लाख में बुन नहीं बिकता, समझ गया ना? गाड़ी तेरे को अपन, चल चल पूरी गाड़ी दे, चल गाड़ी भी, गाड़ी भी तेरी। हाँ 5 लाख नहीं चलेगा, 5 लाख में 10 नहीं चलेगा, 10 लाख में 15 नहीं चलेगा, 15 लाख में 20 20 लाख पक्का देगा तू? बिल्कुल पक्का देगा ना? हाँ पक्का। बोल क्या करने का है? 10-20 करोड़ रुपए की जमीन है ना, इसलिए 10-20 करोड़ की जमीन है तो सुन भाई, अपन 50 लाख लेगा बस। जब 50 लाख पक्का देगा तू? पक्का पक्का। ठीक है अपन तेरा काम कर देगा, बोल क्या करने का है। ठीक, सूर्या बन के जाने का नहीं उसके पास में, और उसके भाइयों को सबको ठिकाने लगाने का मांगता नहीं। पक्का अपन तेरा काम करेगा। ठीक है मतलब ये हमारा भाई नहीं था? नहीं, ये मेरा हमशक्ल था। सूर्या अब इस साले राजपूत का क्या करना है? करना क्या है भैया, अब इसका हम विनाश करेंगे। मारो सूर्या!
बस आलो कैसे पाल लिए मैंने ये पिल्ले से, सारा पैसा बेकार जा रहा हमारा तो। मेरा शिकार है, इसे मेरे पास भेज। मैंने तो तुझे अपना भाई समझा था, इसलिए मैं तुझ पे रहम करता रहा, वरना ये हाथ शिवा के हाथ है, इन हाथों से कोई नहीं बचता, तो तू कैसे बचेगा गद्दार। राजपूत, हो गई ना तेरी हार, हम तुझे नहीं मारेंगे, क्योंकि तेरी जो हार है वो तेरा जिंदा रहने में ही है। तू जितने जी मरेगा, क्योंकि हम निहत्ते पर वार नहीं करते, हम हैं असली राजपूत, तू असली राजपूत नहीं है। और कहा था ना, ये जमीन कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, और कल भी हमारी ही रहेगी। चलो भैया, चलो चलो।
भी अपने थे, सालिम इस दुनिया ने ये दर्द मुझे कह रहे थे। मेरा बचपन मिटाया, अंधेरा नचाया, चारों ओर मेरे दुश्मन के पहरे थे। राज वो घेरे जिसने मुझको सताया, खूनी वो चेहरे जिसने मुझको डराया। कोई अब ये बताए क्या था मेरा कसूर, एक नायक को तुमने खलनायक बनाया। Oh, yeah.